प्रिंस हम स्वाति सिंह। आज की हम साइकोलॉजी की क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पढ़ेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। आज से पहले भी जितनी भी क्लास मैं आपको दे चुकी हूँ उसके अंदर भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़ानी चाहिए, क्यों इसके महत्व हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या स्कोप है, क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें क्या है हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन महत्व के अंदर भी आपकी वही सारी बातें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए और पॉइंट्स टिप्स पे रहने चाहिए कि किस स्कोप के थ्रू या किस उसमें आप साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे आज समझा देती हूँ। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है विकास, देखिए बच्चे का ही विकास है, तो आपको छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चे का किस किस रूप में ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जा सकता है, किस रूप में उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, किस स्टेजेस पे होता है। जैसे आपको पता है तीन स्टेजेस होती हैं आपकी, शैशव व्यवस्था, बाल्य व्यवस्था, देन किशोर व्यवस्था और उसके बाद प्रौढ़ व्यवस्था वगैरह। तो उसमें क्या है, आपको हर स्टेज पर बच्चे का विकास मिलता है, उसमें अलग अलग फीलिंग्स मिलती हैं, जो भी हमारी संवेगात्मक कॉग्निटिव वगैरह डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स और डेवलपमेंट्स आते हैं उनमें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस ना दी जाए तो बच्चा गलत दिशा में चला जाता है, गलत चीज़ें अचीव कर लेता है। तो ये सारी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करानी ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा कि एज अ टीचर मुझे इस चीज़ की जानकारी है, ये चीज़ की नॉलेज है, तो आप बच्चे को भी वो चीज़ समझा सकते हो या फिर बच्चे को बिहेवियर को अचीव मतलब ऑब्जर्व करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि आप अगर बच्चे से पूछेंगे कि आपको इस स्टेज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चा फर्स्टली आपके सामने आती है आपको नहीं बताएगा कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं। तो इसीलिए क्या है, कुछ चीज़ें कुछ बच्चे शाय होते हैं, और आपको पता है कि फिज़िकली जब डेवलपमेंट होता है, फिज़िकल डेवलपमेंट, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं। तो इसीलिए कुछ बच्चे शाइनेस के कारण नहीं बताते, कुछ डर के कारण नहीं बताते, और अगर उनको उस तरीके से गाइड ना किया जाए, उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट ना की जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ डर घर कर लेते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ें कैसे होने लग गई। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पे ना प्रोवाइड कराई जाए, तो इसीलिए बच्चे वहाँ पे क्या है, पिछड़ जाते हैं, अलग रूप से चले जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें अचीव कर लेते हैं। जैसे उनकी संगत भी कुछ गलत होती है, या कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं तो उनको वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर गलत संगत है बच्चे की तो वहाँ पे बच्चा गलत दिशा में जाने की ओर रहता है। तो इसीलिए विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी पढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि आपको पहले पता हो एज अ टीचर कि बच्चे के अंदर क्या क्या विकास कब कब होने वाले हैं। उसके बाद सेकेंड आता है कक्षा शिक्षण, यानी कि क्लासरूम टीचिंग। कक्षा शिक्षण का स्वरूप समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ या टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो उनका जो आईक्यू लेवल है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो कितनी है, जिस हिसाब से आपको उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, क्या कि क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना है, वहाँ पर कैसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें क्या क्या आती हैं कक्षा शिक्षण में आती हैं। वहाँ पर कैसे कॉन्सेप्ट्स, कौन सी मेथड्स, कौन सी थ्योरीज रखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपके सेकेंड पॉइंट टीचिंग प्रोसेस के अंदर, क्लासरूम टीचिंग के अंदर आती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि बच्चों की प्रॉब्लम को समझना, शिक्षार्थियों की समस्या, शिक्षार्थियों की समस्या। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर स्टेज में डिफरेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशनल हो, कुछ पर्सनल भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको बच्चे को समझते हुए, उनसे पूछते हुए उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना है, ताकि बच्चा अपने माइंड को स्टेबल कर सके और अपने माइंड में पॉजिटिविटी ला सके और वो पढ़ाई की तरफ 100% ध्यान दे सके। अगर बच्चे के दिमाग में कोई कोई बातें चल रही हैं, तो वो आपकी क्लासरूम टीचिंग में भी अच्छा नहीं होगा, वो आपकी क्लासरूम टीचिंग के अंदर भी क्या है,
प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे सकता, जिसके कारण आप जो पढ़ा रहे हैं, जो आपका पॉइंट चल रहा है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो भी अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 2 को समझ आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना भी एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना। व्यक्तित्व भिन्नता, विभिन्नता, इसके अंदर क्या आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर आपको पता है कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, कोई भी बच्चा हो, क्या है वो कोई अच्छी फैमिली से हो, मिडिल क्लास से हो या लो क्लास फैमिली से हो, डजेंट मैटर, वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। हर किसी बच्चे का IQ लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल सब अलग होता है, तो उसी हिसाब से हमें बच्चे को टीचिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो दूसरे बच्चे का शायद बैडमिंटन, फुटबॉल, इन तरह की चीज़ों में हो, क्या पता किसी का डांस में हो, किसी का एक्टिंग में हो, और क्लासरूम में किसी को कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि पढ़ाई की तरफ बहुत फोकस हो, उन्हें आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप आती हैं। कि आपको एज अ टीचर पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर, अगर हमें यही नहीं पता कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, सब में इंडिविजुअलिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ अपनी, कोई स्पेशल होता है, कोई इन्फीरियर होता है, कोई सुपीरियर होता है, इस टाइप से, तो आप एज अ टीचर उसको प्रॉपर ढंग से ना पढ़ा सकते हैं, ना गाइड कर सकते हैं, ना उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा थर्ड फोर्थ पॉइंट व्यक्तिगत भिन्नता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। शिक्षण विधियाँ, आपको पता है कि कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है तो आप वहाँ पे कौन सी टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे। अगर मुझे टीचिंग मेथड्स ही नहीं पता, अगर मैं किसी ऐसे बंदे को लाके खड़ा कर दूँ आपके सामने जिसको ये ही नहीं पता डाइट क्या होता है, CTET क्या होता है, टीचिंग क्या होती है, तो वो आपको ये भी नहीं बता पाएगा कि उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या स्कोप्स हैं। तो इसीलिए एज अ टीचर आपको सारी शिक्षण विधियों का पता होना चाहिए कि आप किस किस टीचिंग का कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके प्लस माइनस के पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को भी ध्यान में रखकर आपको टीचिंग देनी चाहिए। 10th क्लास के बच्चे के लिए या 12th क्लास के बच्चे के लिए आप कभी भी प्लेवे मेथड यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे जिससे शोर शराबा और ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि आपको पता है कि वो मेंटली और फिज़िकली इतने स्ट्रांग है कि उनको प्लेवे मेथड और इन सब मेथड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, थोड़े चंचल होते हैं, इधर उधर भागने वाले, और मतलब उनकी मेंटल एबिलिटी या सिटिंग पावर इतनी नहीं होती कि आप उनको एक जगह बिठा कर आधे पौने घंटे तक लेक्चर दे सकें। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें या एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो खेलते खेलते सीख सकें, यानी कि प्लेवे मेथड्स के थ्रू, और आपका फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन विधि दी है वो, और इन सब मेथड्स को यूज़ करके आपको उन बच्चों को सिखाना चाहिए। उसके बाद आता है आपका सामूहिक गतिविधियों को समझना। सामूहिक गति, इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए बच्चों के लिए कैसी किस प्रकार की शिक्षा रखी जाए, ग्रुप, इंडिविजुअल या इस टाइप से, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। और दूसरा इसके बाद का पॉइंट आता है हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम के निर्माण के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कौन से लेवल के अकॉर्डिंग अपना पाठ्यक्रम यानी कि कंटेंट रेडी करना है, जिस हिसाब से बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो, इफ़ेक्टिव हो। अगर आपको छोटे बच्चों के लिए रखना है पाठ्यक्रम, अपना कंटेंट रेडी करना है, पाठ्य पुस्तक रेडी करनी है, करिकुलम रेडी करना है, तो उसके अंदर आप कोशिश करिएगा कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें हों जो थोड़ी स्टोरी टेलिंग हो, कहानी के रूप में हो, कविताओं के रूप में हो, प्लेवे मेथड्स हो, इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हो, कार्टून्स हो, तो बच्चे क्या हैं उस चीज़ को देखते हुए और समझते हुए बहुत जल्दी लर्निंग करते हैं।
क्योंकि वो इतनी अच्छी होती है कि बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनके कलर्स के लिए, उनकी पिक्चराइजेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको बड़े बच्चों के लिए कोई कंटेंट रेडी करना है तो आप उसके अंदर ऐसी चीज़ें रख सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए। तो वहाँ पे क्या है, आपको बच्चे की एज और लेवल देखकर ही अपना पाठ्य पुस्तक निर्माण करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, वो है मार्गदर्शन। यानी कि गाइडेंस। एट लास्ट शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसीलिए यूज़फुल है कि आप बच्चों का प्रॉपर वे में मार्गदर्शन कर सके, एक अच्छी उनको गाइडेंस प्रोवाइड करा सके। क्या है, उनकी वो पर्सनल गाइडेंस हो या एजुकेशनल, आप उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं या वोकेशनली दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि वोकेशनल, पर्सनल और एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, किस रूप में आपको क्या एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, बच्चे को कैसे गाइडेंस देनी है, तो आप बच्चे को भी एक अच्छे गाइडेंस के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में मिल सकते हो। क्योंकि अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस प्राप्त नहीं होती है तो बच्चे कई बारी एक गलत दिशा में चले जाते हैं, या फिर अब तक की जितनी पढ़ाई उन्होंने की है वो भी उनके लिए यूज़लेस होती है, क्योंकि वो आगे उसको ठीक तरह से यूज़ ही नहीं कर पाते। उनको स्कोप ही नहीं पता होता कि आगे हमने मैम साइंस साइड पढ़ी है, आर्ट साइड पढ़ी है, कॉमर्स साइड पढ़ी है, तो वो उसका यूज़ हम कहाँ करें। उन बच्चों के लिए स्कोप्स नहीं पता होते। तो इसीलिए आपको बच्चों के लिए एज अ मार्गदर्शक बनना है कि उनके वो स्कोप के बारे में बताएं कि आप अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, या बच्चों ने जो भी आपसे सीखा है, लर्निंग की है, आप अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए या यूज़फुल बनाने के लिए कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्या स्कोप्स उसके लिए बच्चे के लिए ओपन हो सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस आप बच्चे को ऐसे दे सकते हैं कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसकी फैमिली रिलेटेड हो, उसके दोस्तों से रिलेटेड हो या उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे आप बच्चे को गाइडेंस दे सकते हैं। बच्चे के एज अ फ्रेंड बनकर आप उससे शेयर कर सकते हैं कोई भी चीज़, उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसी कंडीशन में ये चीज़ कीजिए, इस कंडीशन में ये चीज़ कीजिए। तो इससे क्या है, बच्चे को जो बच्चे के ऊपर मानसिक रूप से बर्डन है वो भी कम करने में आप बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इम्पोर्टेंस के अंतर्गत पढ़ ली हैं। अब देखिए साइकोलॉजी के, मैंने आपको बताया जहाँ पर किसी भी चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट तो होता ही होता है। अगर साइकोलॉजी पढ़ने के आपके पॉजिटिव पॉइंट हैं तो नेगेटिव भी कुछ ना कुछ होंगे। तो उसमें से मैं एक दो पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि जो फर्स्ट आपका नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि सीमाएं हैं मनोविज्ञान को पढ़ने की, वो ये हैं कि केवल एज अ टीचर ये सारी चीज़ें पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, उनको अप्लाई भी करना है। तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं केवल पढ़ लिया और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और आपने जॉब ले ली, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें केवल एक किताबी भाषा बनकर रह जाती है आपके लिए। आप उसको डेली लाइफ में या अपनी टीचिंग प्रोसेस में, या अब आप जब टीचर बन गए हैं तब आप अप्लाई नहीं करते हैं। ना तो आप बच्चे का प्रॉपर मार्गदर्शन करते हैं, ना ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, ना उनके विकास को समझते हैं, ना क्लासरूम टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो उससे क्या होगा, ये सिर्फ किताबी भाषा बन के वहाँ पर रह जाती है। तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान को समझना, पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसको यूज़ करना भी ज़रूरी है। और सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि हर किसी की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ बच्चे इसको, इसके महत्व को, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। लाइक आपने ये चीज़ पढ़ ली है, मैं अगर एज अ टीचर हूँ तो मुझे पता है कि साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है, मैं क्यों पढ़ रही हूँ इसको, राइट। लेकिन अगर मैं बाद में उसको अप्लाई नहीं करूँगी तो मेरे लिए तो ये पढ़ना यूज़फुली है, यूज़लेस है। तो इसीलिए इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, सबका जो मेंटल लेवल अकॉर्डिंग होता है, सब उसके अकॉर्डिंग इसको एप्लीकेबल करने में सहायक नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा कोई टीचर पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहा है, तो अगर चार टीचर्स हैं और वो पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं
तो क्या पता फर्स्ट टीचर इतनी अच्छी पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर दे कि उसमें सब चीज़ें डाल दे जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लो और बच्चे को समझ भी आ जाए, इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए, बच्चे का मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट उससे हो रहा हो। लेकिन जो सेकेंड टीचर है, क्या पता वो कुछ ही पॉइंट्स को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करे जिससे बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में से कुछ ही पॉइंट्स कवर हो, यानी कि कुछ ही डेवलपमेंट्स हो पाए। लाइक थर्ड टीचर है, थर्ड टीचर उसमें से कोई भी एक भी ऐसी पुस्तक का निर्माण करे जिसके द्वारा एक भी डेवलपमेंट बच्चे के लिए हेल्पफुल ना हो। तो इस तरह से टीचर भी ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी कैपेबिलिटी को जानते हुए इस तरह से पाठ्य पुस्तक या इस तरह से इन मेथड्स का यूज़ करे ताकि बच्चे के लिए वो फ्यूचर में या एज अ टीचर के लिए भी वो अच्छा साबित हो। या इसके साथ हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट ख़त्म होता है, ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में ट्राई करूँगी आपके लिए थ्योरीज लाने का, जो हमारे लर्निंग प्रोसेस की थ्योरीज हैं वो हम करेंगे, और उसमें आपकी थ्रोनडाइक, पैवलोव, स्कीनर वगैरह की ऑल ओवर थ्योरीज मैं लेकर आऊँगी। तो उस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।